जैसे मैंने जी सर कहा था, ऊपर टंकी से इधर आ जाओ, क्योंकि टंकी उसी को बल दे रही है जो गलत चल रहा है। और जी आपका सर मकान बंद गली में क्यों मिला आपको? अगर मैं इंडिया में जन्मा, मैं स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं जन्मा? मैं यूरोप में क्यों नहीं जन्मा? क्योंकि इस धरती के वो स्वर्ग हैं। जी सर अगर मैं यहाँ जन्मा हूं तो मेरा कोई दोष होगा ना, क्योंकि मैं स्वर्ग जैसी जिंदगी या तो यहां बना लूं। क्योंकि आप ना साधुवाद में या पूजा इतनी की हुई है, आपको ट्रिकी लाइफ है ही नहीं आपकी। मैं बताता हूँ, हर बंदे के अंदर ना एक ना गुस्सा होता है, हाँ जी सर हर बंदे के अंदर काम भी होता है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इसके साथ ईर्ष्या। हाँ जी कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है, हर बंदे जी के जी अंदर है ये। हर बंदे ईगो भी है उसके अंदर, ईर्ष्या भी है, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी और बेशुकरा भी। बेशुकराना ही उसके अंदर इन बिल्ट हैं, जी सर हाँ इन बिल्ट हैं ये चीजें। जितनी भी विकृतियां हैं ना, किसी जी से जेलस करना, किसी को नीचा दिखाना, ले बड़ा बना फिरता है अपने आप को, ये है वो है, उसकी पीठ पीछे बुराई करनी, ये जीवन के जब इनसे ऊपर उठता है ना इंसान, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें अंदर है ना, अंदर है ना, तो ये आगे नहीं बढ़ने देती। किसी ने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया ना, अपनी जी विकृतियों को सर कंट्रोल नहीं किया, वो कहते हैं ना, मन जीते जग जीते। जब तक मन को नहीं जीता जाएगा, पहले अपनी कमियों के ऊपर काम करो। इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि मैं कैसा हूं। जैसे ना मैंने एक एग्जाम्पल वीडियो बनाया था, मेरे वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर आप वो ध्यान से देखना शुरू कर दो ना, तो कई चीजें बदल जाएंगी आपकी। पर मैं तो देखता रहता हूँ। हाँ, उससे नजरिया बदल बदल के और देखो, अच्छे से देखो।